हाय गाइस, वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 8 के बारे में। मैं काफी दिनों से आईफोन 8 यूज कर रहा था, मैंने लिया था ये सेकंड हैंड, 12000 का मुझे मिला, कंडीशन काफी अच्छी थी तो मैंने उसके 12000 दे दिए। तो लगभग 7 से 8 दिन मैंने आईफोन 8 को यूज किया और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्या 2023 में आईफोन 8 लेना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये फोन काफी सही प्राइस में हमें देखने को मिल जाता है, 8000 से 12000 के बीच में बड़े आराम से मिल जाता है ठीक कंडीशन वाला। तो काफी लोग लेना चाहते हैं आईफोन, और आईफोन 8 मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पीछे वाले मॉडल्स में हमें अपडेट्स नहीं मिल रही है, अब लेटेस्ट अपडेट्स आईफोन 8 में हमें iOS 16 की अपडेट भी मिल रही है। देखो गाइस, आईफोन 8 को लॉन्च हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये फोन अपने टाइम में 60 से 70 हजार के बीच में बिकता था। अभी इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको सेकंड हैंड मार्केट में देखने को मिलेगा या फिर आपको रिफर्बिश देखने को मिलेगा। एप्पल खुद से अभी से नहीं बेचता क्योंकि एप्पल ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, पर आपको फिर भी मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। तो सबसे पहले मैंने आपको प्राइस का बता दिया, 8 से लेके 12 हजार तक आराम से आपको ये मिल जाएगा। और अब मैं इस फोन की लुक एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, अगर आप इसके फ्रंट साइड देखोगे तो आईफोन 6 के बाद जितने आईफोन आए थे सेम ही डिजाइन देके रखा है, और बैक साइड यहाँ पर ग्लास की देके रखी है, और जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे तो साइड फ्रेम इसकी एल्युमिनियम की है, राउंड शेप में देके रखी है जैसे हमारे आईफोन 11 की, मतलब ग्रिप काफी अच्छा बनता है, और एल्युमिनियम फ्रेम होने की वजह से यहाँ पर स्टेडीनेस काफी अच्छी मिलती है। इस रेंज में आपको और कोई भी फोन नहीं मिलेगा जो कि इस तरह की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। देखने में और इन हैंड फील इसका काफी ज्यादा प्रीमियम है, और एप्पल लोगो इसका बैक साइड में थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है जैसे हमारे पुराने आईफोन में होता था, और बैक साइड में आईफोन भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की, इतना पुराना फोन होने के बाद भी बैक साइड में यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं है, यहाँ पर जो क्वालिटी यूज किया वो अच्छी लगी मुझे। कैमरा का लेंस देके रखा है, वो एक सिंगल लेंस देके रखा है जैसे हमारा आईफोन SE आता है, उसी तरह का आपको बैक साइड देखने को मिलेगी, और साथ में सिंपल सी फ्लैश लाइट मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेकंड हैंड फोन काफी दिनों से यूज कर रहा था तो उसके बटन काफी अच्छे थे, अभी भी इतना पुराना होने के बाद भी अच्छे से वर्क कर रहे थे। अलर्ट स्लाइडर आपको आईफोन 8 में देखने को मिल जाएगा जैसे हमारे लेटेस्ट आईफोन में देके रखा है, पर यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मुझे आदत है ड्यूल सिम यूज करने की, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सिम आप लगा सकते हो और ई सिम का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो फिर अगर आप ड्यूल सिम यूज करते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपको एक अलग से एक और फोन रखना पड़ेगा, फिर चाहे आप एंड्रॉइड रखो। तो लुक एंड बिल्ड क्वालिटी में मैं सीधी सी बात करूं तो इस रेंज में आपको कोई भी ऐसा फोन नहीं मिलेगा जो कि आपको इतनी प्रीमियम क्वालिटी देगा। और गाइस, अब मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको 4.7 इंच की IPS रेटिना LCD डिस्प्ले देके रखी है, और साथ में आपको ट्रू टोन और 3D टच का सपोर्ट भी मिल जाता है। वैसे फ्रंट साइड आप देखोगे सामने से तो थोड़ा पुराने टाइम का लगता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर होम बटन देके रखा है, टच ID का सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर फेस ID एप्पल ने यूज नहीं की है, फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, काफी ज्यादा फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और अच्छे से वर्क करती है। और यहाँ पर मैंने इसे आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर यूज किया, 625 nits की ब्राइटनेस मिलती है, इंडोर तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आउटडोर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि मैं यहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा था काफी टाइम से, तो फिर मुझे थोड़ी सी आउटडोर के हिसाब से कम लगी, काम फिर भी चल पड़ता है, आप देख सकते हो कैमरा में थोड़ा सा महसूस होगा कि थोड़ी सी और ब्राइटनेस होती तो अच्छा रहता। और एप्पल ने जो LCD डिस्प्ले यहाँ पर यूज किया है, कलर्स आपको ठीक देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप OLED डिस्प्ले के साथ में कंपेयर करोगे, पर यहाँ पर प्राइस भी आप देख रहे हो आपको किस प्राइस में ये मिल रहा है, कंपेयर करूं अगर मैं आईफोन 11 के साथ में तो आईफोन 11 में भी आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे इसकी डिस्प्ले सही लगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूं, इसमें एप्पल की A11 चिप मिल जाती है आपको, परफॉर्मेंस उसकी अभी भी काफी ज्यादा अच्छी है, अपने टाइम में तो आपको पता ही है सभी एंड्रॉइड फोन से बेस्ट थी, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो स्मूथनेस है वो आपको काफी सही देखने को मिलेगी, ऐप लोडिंग टाइम रिस्पांस टाइम भी इसका अच्छा है। इस रेंज में आप किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बता देता हूं, मैंने BGMI गेम इसमें ट्राई की तो यहां पर स्मूथ में एक्सट्रीम FPS मिल जाते हैं, मतलब 60 FPS तक मैं इसमें गेम खेल पा रहा था, पर थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है तो मेरे हाथ में उतना कंफर्ट मुझे फील नहीं हो रहा था, पर जो स्मूथनेस थी गेम खेलते टाइम वो काफी ज्यादा अच्छी थी, 60 FPS हमें मिल जा रहे थे गेम खेलते टाइम। पर यहां पर गेम जैसे 10-15 मिनट से ज्यादा मैंने खेली तो फिर फोन मेरा हीट हो गया, उस वजह से इसने ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी। तो ये जो ब्राइटनेस ड्रॉप है ये हमारे आईफोन 11, 12, 13 और इवन 14 में भी होता ही है, पर यहाँ पर आईफोन 8 में थोड़ा जल्दी आपको देखने को मिलेगा, मतलब बाकी फोन्स के साथ में कंपेयर करें तो थोड़ा जल्दी हीट हो जाता है। और इसके साथ में गेमिंग में थोड़ी सी दिक्कत बैटरी को लेकर भी है, आप ज्यादा देर तक गेम भी नहीं खेल पाओगे, अगर आप 10-15 मिनट तक खेलना चाहते हो गेम तो उन लोगों के लिए फोन काफी सही है, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, लैग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वरना आपको अपना रूम ठंडा रखना पड़ेगा, फोन
फोन आपका गर्म ना हो तो फिर आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। और छोटी मोटी गेम की बात करें तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गेमिंग के बाद अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इसमें आपको लेटेस्ट iOS 16 की अपडेट मिल जाती है, तो अच्छी बात यह है अभी आप 3 साल तक इसे और यूज कर पाओगे। अगर फोन में अभी भी हमें पुराने OS की अपडेट मिलती रहती तो जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया और हमारी बैंक एप्स होगी, काफी सारी एप्स आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जो फोन है वो लेटेस्ट iOS पर रन नहीं कर रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं कर रहा है। तो इस फोन का फायदा ये है कि आप 3 साल और यूज कर पाओगे iOS 16 के साथ में, चाहे iOS 17 की अपडेट आए या फिर ना आए। अपडेट के बाद अब कैमरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड में 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया और फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का कैमरा देके रखा है। और इस फोन में आप 4K में 60 fps पर वीडियो बना सकते हो, वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आती है। ये आप कुछ वीडियो और फोटोज के सैंपल देख लो। मेन कैमरा यूज कर रहा हूँ, 4K 60 fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सनलाइट की तरफ लेके आता हूँ कैमरा को, थोड़ी सी लेंस फ्लेयर भी मुझे दिखाई दे रही है। फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ और 4K 60 fps में वीडियो बनाई जा रही है। और हवा इस टाइम बहुत ज्यादा चली है तो माइक कैसी आउटपुट दे रहा है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। और स्टेबलाइजेशन का आइडिया आपको दे देता हूँ थोड़ा सा रन करके। थोड़ी कम लाइट में आगे हम, तो स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो गया होगा अभी आपको। तो फोटोज और वीडियोस का सैंपल आपने देख लिए, तो फोटोज की क्वालिटी मुझे ठीक लगी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। इस रेंज में आपको कोई भी फोन ऐसी क्वालिटी नहीं देगा वीडियोस के मामले में, क्योंकि आईफोन के कैमरा के साथ में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो शुरू से एप्पल की क्वालिटी काफी अच्छी थी। पर यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे नाइट मोड नहीं मिलता है, पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता है, ये थोड़ी बहुत कमी है। इसके अलावा कैमरा ठीक है, इस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे आउटपुट दे देता है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये फोन हमारा 4G फोन है, तो आप इसमें 5G यूज नहीं कर पाओगे और ऊपर से ये सिंगल सिम है, तो फिर आपने इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो। अगर आपने 5G यूज करना है तो आपको अलग से एक 5G फोन लेना पड़ सकता है। और गाइस ये फोन हमारा IP रेटिंग साथ में आता है, वाटर डस्ट रेसिस्टेंट भी है, तो ये पानी और डस्ट से इजीली खराब होने वाला नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी देके रखी है, तो ये भी काफी अच्छी बात है जैसे हमें लेटेस्ट iPhones में देखने को मिलती है। तो इस रेंज में आपको कोई भी ऐसा फोन देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस तरह की IP रेटिंग और वायरलेस चार्जिंग देता हूँ। और अब मैं बैटरी की बात करता हूँ, मुझे बैटरी बैकअप इसका सच में काफी ज्यादा बेकार लगा। 3 से 4 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाल के दे रहा था, उसमें से मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अगर आपने गेमिंग भी करनी है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, सारी चीजें आप यूज करोगे तो बैटरी बैकअप इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक मेन रीजन बन जाता है जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि अगर आप इस फोन को ले रहे हो तो आपको साथ में एक एंड्रॉइड फोन रखना पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी बैकअप सच में एक दिक्कत दे सकता है। या फिर आपको पावर बैंक और उसके साथ में केबल साथ में रखना पड़ेगी क्योंकि ये लाइटनिंग के साथ में चार्ज होता है। तो इस फोन को ना खरीदने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये दूंगा कि बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर से आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो फिर उसकी बैटरी हेल्थ भी कम होगी, तो बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं निकालेगा। सीधी सी बात कहूं तो बैटरी के मामले में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आपको बैटरी और छोटी डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसे ले लो, वरना आप थोड़े से पैसे और डाल के आईफोन एक्स की तरफ ही जा सकते हो। जल्दी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं आईफोन 8 और एक्स का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों फोन सेम ईयर लॉन्च हुए थे 2017 में। तो फिर ये था हमारे आईफोन 8 के बारे में। अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप बताओ कि अभी भी क्या आप आईफोन 8 जैसा फोन लेना चाहते हो या फिर नहीं। तो मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।